हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राव्या अमजद। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कांजावाला स्कूटी गर्ल केस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कांजावाला में एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक बलेनो कार जिसमें 5 लड़के सवार थे, वो ये गाड़ी आपको नजर आ सकती है। कैमरे से सब फुटेज कलेक्ट हो चुकी हुई है। वो लड़की को, अंजलि को, हैप्पी न्यू ईयर वाली नाइट वाले दिन रात की तकरीबन 2 बजे उसने हिट किया और वो उसको घसीटती हुई इतनी दूर तक ले गई कि वो अंजलि लड़की की डेथ हो गई, वो उसका जिस्म चलनी चलनी हो गया। ये वो सड़क है, ये से वो सारे कैमरे हैं आपके सामने नजर, जिसमें कि आपको सारा वाकया नजर आ सकता है कि यहाँ से पुलिस की वैन भी गुजरी थी, सबके सामने नजर आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4। ये सब उन रास्तों के कैमरे हैं जहाँ जहाँ से वो गाड़ी गुजरी। जैसे जैसे लड़की की लड़ाई शुरू हुई, आप देख सकते हैं ये दो फ्रेंड्स थी जो कि कैमरा नंबर 1 में नजर आ रही है, होटल से बाहर निकली, किसी बात पर उनकी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से कैमरा नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि वो जो उसकी सहेली थी एक फ्रेंड, वो चली गई। और इसी तरह से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये भी दोनों लड़ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से वो सारा डिटेल जो कि कैमरे की एक्सक्लूसिव फुटेज में नजर आई है। दोनों लड़कियां होटल से बाहर निकली हैं, न्यू ईयर नाइट का तकरीबन 2 बजे का टाइम। ये अंजलि अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर रही है, कैमरे में साफ नजर आ रहा है। ये उसकी फ्रेंड आई है और यहाँ पे इनका जिस बात पे इशू हुआ वो उनकी अंजलि की फ्रेंड ने बाद में अब आगे बयान दे दिया है। और उसके मुताबिक कि वो कह रही थी कि मैंने स्कूटी चलानी है, जबकि अंजलि कह रही थी मैंने चलानी। और इसी में एक दूसरे से वो चाबियां जो है छीना झपटी करने लग गई, स्कूटी की चाबी छीनने लग गई, जिसमें उनकी नाराजगी भी हुई और उसकी सहेली यहीं से उससे नाराज होकर चली गई। होटल के मैनेजर से जब बात की गई तो उसने सारी डिटेल्स बताई। होटल मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। दोनों ने पार्टी करने के लिए होटल में कमरा लिया था। अपनी आईडी दी थी, न्यू ईयर का था तो न्यू ईयर की पार्टी वगैरह करनी होगी, उन्होंने इसलिए रूम लिया था दोनों ने। होटल के मैनेजर के बयान के मुताबिक कि वो दोनों लड़कियां जब यहां से बाहर निकली, होटल की पार्किंग में ही दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई करते करते वो सड़क के बीचों बीच चली गई। आप कैमरे में भी देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो डिफरेंट कैमरों से पुलिस ने कलेक्ट की है उसमें भी नजर आ रहा है। एक बाइक वाला भी रुक के उन्हें देखने लग गया कि इन दोनों लड़कियों को होश नहीं है और इस सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी होकर लड़ रही थी। यहीं पे आप देख सकते हैं लड़ते लड़ते एक सहेली नाराज होकर चली गई छीना। अंजलि की सहेली को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसका क्या बयान है सुनाते हैं। वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस काम पे बहस हो रही थी, फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर, ये बात थी। अंजलि की सहेली का बयान आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा है दूसरी गली में, जो कैमरा है इसमें नजर आ रहा है स्कूटी पे दो लड़कियां हैं। रात के तकरीबन 2 बजे आपको पास टाइम में नजर आ रहा है, संडे की रात के 2 बजे के करीब यही स्कूटी यहाँ से गुजरी है और यहाँ पे दो स्कूटी पे दो लड़कियां सवार थी। इसके अलावा यहाँ से आप अभी देख सकते हैं कि वो गाड़ी भी गुजरेगी बुलेनो, जिसमें जिसके साथ लटक के और जिसके साथ लड़की को घसीटा गया, ये रोशनी पड़ी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंजलि और उसकी दोनों फ्रेंड्स, ये रात के 2 बजे के करीब जैसे जैसे में दोबारा से बातचीत हो गई थी, सुलह हो गई थी, दोनों फिर से वापस जानी थी स्कूटी पे बैठ के, और यहीं पे वो हादसा पेश आया। यहाँ के जाने के बाद इसी रोड पे तकरीबन 40 सेकंड के बाद आपको वही गाड़ी नजर आएगी जिसने अंजलि को हिट किया। ये अब उसकी रोशनी पड़ी है, ये कैमरे में कैप्चर हो गया सीन। यहीं से ये गाड़ी इसी सड़क से आ रही है और रात के तकरीबन 2:10 पे सिर्फ 10 मिनट के फासले के बाद ये गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आई है। ये गाड़ी जिसने अंजलि को हिट किया, उसको मारा और उसको रगड़ती हुई तकरीबन 8 से 12 किलोमीटर दूर तक ले गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे में कैप्चर हो गया है और पुलिस का कहना ये है कि जिस स्कूटी यहाँ से गुजर गई थी ये उसी टाइम वापसी पे उसको मार के हिट करके आई थी। लड़कों ने जानबूझ के ये केस मौत को अंजाम दिया, उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई, उसको बलेनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी, उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था, वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के, अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट। पुलिस केस पे अब तफ्तीश कर रही है। इसके से मजीद मालूम के लिए देखते रहिए चैनल, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।